हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम फाउंडेशन कोर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके पहले हम आपके पास तीन जो वीडियोस हैं वो आपको हम डिलीवर कर चुके हैं, तो आज हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इफ 4 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 12 रेज टू द पावर -z, देन 1/x + 1/y + 1/z इज इक्वल टू। तो ये कैसे हमने इसको सॉल्व करना है? 4 रेज टू द पावर x, 3 रेज टू द पावर y, 12 रेज टू द पावर -z, इन सभी को हमने k के साथ हमने इक्वेट कर देना है। तो जैसे हम 4 रेज टू द पावर x को k के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये जो x पावर है दूसरी तरफ जाके 1/x हो जाएगी। तो ऐसे ही हमने जब 3 रेज टू द पावर y को k के साथ इक्वेट किया तो हमारे पास क्या आएगा? 3 इज इक्वल टू k रेज टू द पावर 1/y। ऐसे ही जब 12 को करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 रेज टू द पावर -z इज इक्वल टू k। 12 इज इक्वल टू k रेज टू द पावर -1/z। और इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू -k रेज टू द पावर -1/z। और 4 की वैल्यू ये रही k रेज टू द पावर 1/x, 3 की वैल्यू ये रही k रेज टू द पावर 1/y। अब हमें पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है कि अगर बेस इक्वल है और पावर्स बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और पावर्स क्या हो जाती हैं? फिर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x + 1/y इज इक्वल टू k रेज टू द पावर -1/z। तो अब फिर दोबारा लॉज ऑफ जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको यूज करेंगे कि अगर बेसिस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है तो जो पावर्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। अब -1/z इस तरफ आके क्या हो जाएगा? प्लस का 1/z हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी थी जो कि आंसर आ गया 0। तो ऐसे हमने इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का ये क्वेश्चन है तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ आ गया होगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।